अखिलेश यादव पहुंचे वृंदावन, रंगनाथ मंदिर के किए दर्शन, सड़क पर खड़े होकर लिया चाट का आनंद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को वृंदावन पहुंचे, यहां उन्होंने रंगनाथ मंदिर और जयपुर मंदिर के दर्शन किए। दर्शन कर बाहर निकले अखिलेश यादव ने सड़क पर खड़े होकर चाट का भी आनंद लिया। रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे, यहां उन्होंने शीतल छाया स्थित पत्रकार विनीत नारायण के आवास पर पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। करीब एक घंटे तक यहां रहने के दौरान अखिलेश यादव विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सबसे पहले मथुरा मार्ग स्थित राधा माधव जयपुर मंदिर पहुंचे। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के इस मंदिर में अखिलेश यादव ने विधि विधान से दर्शन किए। जयपुर मंदिर दर्शन करने के बाद अखिलेश यादव का काफिला उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण भारतीय शैली के श्री रंगनाथ मंदिर पहुंचा। यहां पूर्व मुख्यमंत्री ने नियमानुसार मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करने के बाद अखिलेश यादव ने सबसे पहले शेषशायी विष्णु भगवान के दर्शन किए। इसके बाद अखिलेश ने वाहन घर को भी देखा। रंगनाथ मंदिर पहुंचे अखिलेश यादव ने निज मंदिर पहुंचकर भगवान रंगनाथ की अर्चना की। अखिलेश यादव यहां धोती पहनकर निज मंदिर में प्रवेश किए, जहां मंदिर के सेवायत रंगा स्वामी वासु स्वामी ने उनको पूजा अर्चना कराई। दर्शन करने के बाद अखिलेश यादव को मंदिर के प्रबंधक श्री कृष्णन ने भगवान का प्रसाद और छवि चित्र भेंट किया। रंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद जब अखिलेश यादव का काफिला बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हुआ, उसी समय मंदिर के गेट के बाहर निकलते ही चाट की ढकेल देख काफिला रुकवा लिया। यहां अखिलेश यादव गाड़ी से उतरकर चाट की ढकेल पर पहुंच गए। पहले गोलगप्पे और फिर आलू की टिक्की का स्वाद लिया। इस दौरान वे ब्रज की लस्सी का स्वाद लेने से भी नहीं चूके। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब चाट का स्वाद ले रहे थे, उस दौरान उन्होंने ढकेल स्वामी शेरा से पूछा कि तेल कौन सा प्रयोग करते हो। इस पर शेरा ने कहा कि फॉर्चून का प्रयोग करता हूं। इस पर अखिलेश यादव ने मजाक में कटाक्ष करते हुए कहा कि यहां भी अडानी। इस पर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। कि आज आपसे मिलने का फिर मौका मिला है। और जब कभी मथुरा वृंदावन आए हैं, आप लोगों का हमेशा सहयोग मिला है। आज फिर मुझे आने का मौका मिला। मैं जहां मंदिर में जाकर के दर्शन करने का काम करूंगा, वहीं मुझे विनीत नारायण जी से मिलने का मौका मिला। और ख़ास मैं विनीत नारायण जी से मिलने आया क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजर रहा था, तो मैंने ये विचार बनाया कि विनीत नारायण जी से मिल कर के जाऊँ, और जब उनके घर जाएंगे तो कम से कम भोजन तो मिल जाएगा और शाकाहारी भोजन मिलेगा। एक बार मैं सरकार में आया था, अक्षय पात्रा का भोजन खाया था मैंने, और मुझे खाना इतना अच्छा लगा कि उसी दिन फैसला ले लिया कि लखनऊ राजधानी में भी अक्षय पात्रा से ही बच्चों को खाना खिलवाया जाएगा। और उसके बाद बजट के माध्यम से 250 करोड़ रुपये दे करके उत्तर प्रदेश में और जगह जगह जिलों में अक्षय पात्रा की किचन बने, उसके लिए बजट दे दिया था। उसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया था कुछ दिन पहले, लेकिन केवल बनारस की वो अक्षय पात्रा की किचन चली और कहीं नहीं चला। जब इनके यहाँ भोजन करके आए तो बहुत सारी बातें हुई। मुझे याद है कि यहाँ के कुंड तालाब या जो पौराणिक जिनकी महत्व है, उन स्थानों को बचाना, उन स्थानों का संरक्षण करना, उन स्थानों की सुंदरता वापस लाना काम करके विनीत नारायण जी ने दिखाया है। हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है। ये बीजेपी की पहली सरकार है जो विकास रोक करके जनता को बताती है कि विकास कर रहे हैं। इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। दो फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है और मैंने समय समय पर अखबारों से या और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सब को बिगाड़ दिया। पता नहीं कहां से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को ख़राब किया जा सकता है। और आपको जहां पर आपसे वहां लगी होगी
आज एक प्रतिनिधिमंडल आपका आपसे मिला है जिसमें यहाँ के व्यापारी हैं और गोस्वामी बंधु हैं, क्या कह रहे हैं वो, मांग क्या कर रहे हैं? गोस्वामी बंधु जितने भी हैं वो चाहते हैं कि मंदिर का संरक्षण हो, उसको और बेहतर किया जाए इसी रूप में जिस रूप में है, और उनके सुविधाएं कैसे मिलें, जो यात्री जो श्रद्धालु जो वृंदावन के मंदिर को देखने आते हैं, आखिरकार पहले से मन रही है जन्माष्टमी, कोई पहली बार तो नहीं मनी, सरकार ये भी दावा नहीं कर सकती कि जन्माष्टमी इनकी सरकार में पहली बार मनी, कितनी वर्षों से मन रही है, कभी हादसा नहीं हुआ, अगर कभी हादसा हुआ होगा तो ऐसा हादसा नहीं हुआ होगा जो कि जान चली गई हो लोगों की। तो कम से कम प्रशासन को सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि इतने लाखों संख्या में अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो आप पे जो फोर्स है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या व्यवस्था की? अगर किसी की नाकामी है तो वो सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, पूरी फोर्स पूरा इंतजाम तो उनकी सुरक्षा में लगा था। जन्माष्टमी के दिन इतने घंटे रहना, यहाँ लोग घरों में अपने घर झाक। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मथुरा से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।